नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर श्रावस्ती से है, जहां आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जहां जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिषद हॉल में राष्ट्र प्रेम से प्रेरित गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में संस्कृति विभाग लखनऊ से आई मुख्य गायिका संगीता श्रीवास्तव ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। अगली खबर कन्नौज से है। कन्नौज में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर कन्नौज एसपी ने एकता का संदेश दिया है। बता दें कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए एसपी की आवाज जिले के हर घर तक गूंजी, वहीं थानों में शांति कमेटी के सदस्यों को बुलाकर एसपी का संदेश सुनाया गया। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश के गृह विभाग ने आज सभी पुलिस अधीक्षकों को जनता के नाम संदेश देने के लिए निर्देशित किया था। एसपी ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज का दिन पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद वासियों को संबोधित किया जाना था, और इस संबोधन के दौरान मेरे द्वारा जनपद वासियों का धन्यवाद किया गया है। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दिया गया है, जिनके सहयोग से विगत कुछ समय में जो अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे उनको सकुशल सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सका है। इसके साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के जो प्रोजेक्ट्स कन्नौज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें जनता के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। अगली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भिनगा नगर में तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्रगान गाया गया। दरअसल नगर शान पटेल चौराहे पर चेयरमैन अजय आर्य के साथ SDM और CO मौजूद रहे। वहीं जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिस जवान और नगरपालिका कर्मचारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाया। अगली खबर हरदोई से है, जहां रक्षाबंधन पर परिवहन निगम ने बहनों के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था की थी, जिसके बाद हरदोई में हजारों महिलाओं ने बस में सफर किया। वहीं महिलाओं की भारी भीड़ बस अड्डे से लेकर के बसों में दिखी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इंतजार में कि बस ही नहीं मिल रही है, बस के इंतजार में खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? कंडक्टर कह देते हैं बस में सवारियां भरी हैं, कह देते हैं नहीं, वो तो वर्क साहब जा रही है, वहाँ नहीं जाएगी। अब हम लोग वहाँ से बैठ के उतर लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मतलब कंडक्टर बैठा ले रहा है सवारी। हाँ, कह देते हैं कि आप, वो जाती नहीं, बस खराब है, वर्क साहब जा रही है। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 34 ATM कार्ड, एक बैगनार कार और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने बदमाशों के पास से असलहा भी बरामद किया है। वहीं अपराधियों के 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। दरअसल जिले में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट सभागार में DM चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में कर वसूली कार्य की विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं समीक्षा के दौरान परिवहन की प्रगति कम होने पर ARTO को अपेक्षित प्रगति लाए जाने के निर्देश भी दिए गए। जहां जिले के ARTO ने बताया कि ई रिक्शा संचालक द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वसूली की प्रगति कम हुई है, जिसके बाद DM ने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में संचालित होने वाली ई रिक्शाओं से परिवहन का टैक्स जमा कराएं। खबर सहारनपुर से है, जहां जिला जेल में आज 2 साल बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को नम आंखों से राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। साथ ही बहनों ने जेल से जल्द रिहाई की अपील भी की है, जिसके बाद भाइयों से संकल्प भी लिया कि वो अपराध का रास्ता छोड़ दें।
वहीं जेल प्रशासन ने दूर दराज से आने वाली बहनों के लिए खासा इंतजाम भी किए थे। अगली खबर सितारगंज से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर के वार्ड नंबर 7 में घर घर जाकर तिरंगा वितरण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए घर घर तिरंगा नारे लगा रहे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कल सुबह 8 बजे से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। पहले तो माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरे देश में जो अलग जगाई है कि हर घर के ऊपर झंडा लगना है 75वें आज़ादी के महोत्सव में, उसी के सापेक्ष आज हम अपनी विधानसभा में वार्ड नंबर 7 में एक प्रभात फेरी हमने निकाली है, जिसमें हमने वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों के घर घर उनको झंडा बांटा है और सबसे निवेदन किया है कि 15 तारीख से पहले पहले हर घर के ऊपर एक झंडा लगना चाहिए। ये देश का एक प्रतीक है, झंडा हमारा, हमारी आन बान शान है। और 15 अगस्त जो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि भारत के हर घर के ऊपर झंडा लगे, उसी को साकार बनाने में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां भटवाड़ी मुख्यालय में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाल और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजादी की पदयात्रा का आयोजन किया, जहां आजादी में कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को याद कर कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़कोट में स्कूली छात्र छात्राओं और विश्व हिंदू परिषद, अल्पसंख्यक मोर्चा परिषद और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। वहीं संत समाज के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्राओं ने भारत माता की झांकी निकाली, जो नगर में आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी ने पत्रकारों को झंडा वितरित किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगे के लिए लोगों को झंडे भी वितरित किए जा रहे हैं। पूरी तरह से अनुपालन करना, यही मैसेज सब झंडे जो वितरण किए जा रहे हैं सरकार की ओर से भी सारे पब्लिक को ये सूचना दी जा रही है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी है। सबसे अपील है हमारी कि आप राष्ट्र ध्वज को फहराएं और पूरे सम्मान के साथ फहराएं, और जब आप उतार के रखें तो भी पूरे सम्मान के साथ उसको रखें, कोई ऐसे इधर उधर उसको ना रखें जिससे कि डिसरिस्पेक्ट राष्ट्र ध्वज की हो। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।